बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती ये नदियाँ। गूंज के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। हमारे आज के नाटक का नाम है कसक। मैडम, फैजा अकबर का कमरा कौन सा है? एक मिनट, कमरा नंबर 322, थर्ड फ्लोर पे। फैजा, कैसी हो फैजा? उधर क्यों देख रही हो? मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी भी मुझसे खफा हो क्या? अच्छा चलो, देखो मत, कम से कम सुन तो लो। मुझे मालूम है ऐसे कई सारे लम्हे हैं जो तुम अब भूल चुकी हो, और मैं आज उन लम्हों को तुम्हारे साथ फिर से जीने आया हूँ। 23 नवंबर सन 1993 की सुबह इस्माइल चाचा के चाय की टपरी पर अपनी किताबों में मशरूफ था मैं, कि वहीं रास्ते की दूसरी ओर तुम अपने परिवार के साथ खड़ी थी। यहाँ से ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाया, लेकिन न जाने क्यों मेरी नज़र तुम्हारे उस बुरके के पीछे छुपी आँखों पर पड़ी। उन आँखों में एक अलग सी चमक थी, वो जो मुझे लगा सपने देखती है। लेकिन मैं पागल फिर उन्हीं किताबों में उलझ गया। लेकिन फिर जब अपनी नज़रें उठाई तो तुम अकेले चली जा रही थी, और सिर्फ 10 कदम दूर तुमने अपना बुरखा उठाया, और उस समय मुझे ऐसा लगा कि तुमने अपना बुरखा नहीं बल्कि अपने जिंदगी में हुए सारे जुल्मों को रोक दिया। अपने हाथ में बंधे उन जंजीरों को तोड़ दिया, और तब मेरी नजर पड़ी उन नजरों पर जो जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, जो हर सपने को उस काले पर्दे के पीछे छुपकर नहीं बल्कि खुलकर जीना चाहती थी। और तब मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखों में छुपे सपनों का ख्याल नहीं लेकिन अपनी रूह में उन सपनों को तुम्हारे साथ जीने का भी ख्याल आया। एक तब का दिन था जब हमारे इश्क की शुरुआत हुई थी, और एक आज का दिन है। ये गाना याद है तुम्हें? हाँ हाँ, ये वही गाना है। आज तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कैसे नहीं रोका? मैं छुप के आ गई। शहर को बोला है कि अगर अब्बू कुछ भी पूछे तो कहना दोस्तों के साथ गई। तुम्हें क्या बताऊं आदिल, ये अब्बू भी ना अरब से तो आ गए लेकिन इनके ख्यालात अभी भी वहीं के हैं। परेशान हो गई हूँ यार इस रोज रोज के छुपने छुपाने से। फैजा, मैं जानता हूँ ये सब और समझता भी हूँ, लेकिन अब तुम क्या कर सकती हो? वो हमेशा से ही अरब में रहे हैं और उन्होंने यही देखा है। उनके लिए अगर निकाह का मतलब अगर इश्क नहीं बल्कि जायदाद की लेन देन है तो अब हम इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी तो कमा सकती हूँ ना, मेरे भी तो कुछ सपने हैं, मुझे काम करना है आदिल। हाँ तुम कमाओगी और तुम उन सारे सपनों को खुद पूरा कर पाओगी, लेकिन ये तुम्हारे अब्बू के घर पे तो मुमकिन नहीं है। इसलिए निकाह से पहले मुझे जाना होगा और इतना काबिल बनना होगा कि तुम्हें ले जा सकूं। हमारे सपने अलग नहीं है आदिल, और मैं हमारे सपनों के पूरा होने का इंतजार करूंगी। वैसे तो मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन चाहूंगा कि आज की ये बारिश कभी खत्म ना हो। नसीब में ये बात हो ना हो।
क्या दिन थे वो। एक छोटे से पल में हमने इतने बड़े बड़े सपने देख लिए, पर इन कुछ सालों में जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। तुम मुझसे दूर नहीं हो फैजा, क्योंकि जब तक ये बारिश की बूंदें सूखी मिट्टी को जान देगी तब तक तुम्हारा इश्क उन बादलों से बरसकर मेरे जीने का वजूद बनेगा। अरे जनाब, कहाँ जा रहे हो? ओ, मैं अपनी फैजा से मिलने जा रहा हूं। आ गया एक और मजनू। चलो ठीक है, जाओ कर लो अपनी बात पूरी। फैजा, कल हमारी बात कुछ अधूरी रह गई थी तो सोचा आ जाके पूरी कर दूं। वैसे क्या तुम्हें अपनी लिखी हुई वो आखिरी चिट्ठी याद है? आदिल, मैं ये खत काफी हिम्मत जुटाने के बाद तुम्हें लिख रही हूं। अब्बू के दिए अजार ने मुझे तोड़ा ही नहीं बल्कि मेरे रूह को खोखला कर दिया है। आज तुम्हें कई कई साल हो गए और इन बीते हुए सालों में तुमने मुझे एक खत तक नहीं लिखा। आदिल, अब्बू ने मेरा निकाह तय कर दिया है। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन अब्बू नहीं माने और कल के कल मेरा निकाह इमरान से हो रहा है। हमारा इश्क अब मेरे लिए सिर्फ ख्वाबीदा सा रह गया है। अब बस यही दुआ है कि तुम जिन सपनों को पूरा करने के लिए गए थे और कभी लौट नहीं पाए वो इंशाल्लाह जरूर पूरे हो। फैजा। और जब इस खत का अंत तुम्हारी फैजा से नहीं सिर्फ फैजा से हुआ तब मैं समझ गया कि हमारा सफर बस यहीं तक का था। मगर फैजा, तुम तो कभी समझ ही नहीं पाई कि उस दौरान मैं क्या कर रहा था। हाय अल्लाह, इस कमबख्त बारिश को भी अभी ही आना था। कोई बात नहीं, मैं कल आता हूं। अरे जनाब, आज फिर? हाँ, कल मेरी और फैजा की कुछ बात अधूरी रह गई थी जो आज मैं पूरा करने आया हूँ। हाय अल्लाह, आज बारिश ना हो जाए। एक टाइम था फैजा जब बारिश ने हमारी कहानी को शुरू किया था और अब उसी बारिश ने हमारी कहानी को अधूरा कर दिया। खैर, मैं यहाँ कोई माफी की उम्मीद में नहीं आया, कल की अधूरी बात को पूरा करने आया हूँ। हौसला, हिम्मत और दुनिया भर का प्यार अपने दिल में लेकर तुम्हारे घर से सिर्फ 10 कदम दूर खड़ा था फैजा, इस उम्मीद में कि तुमसे कहीं मुलाकात हो जाए, कहीं तुम मुझे दिख जाओ। वहीं उस मोहल्ले की गलियों में खड़े रहकर हमारे इश्क का सफर मानो मेरी आंखों के सामने एक रंगीन नजारे की तरह आ खड़ा हुआ। वो मेरा तुम्हें इस्माइल चाचा की टपरी पर पहली बार देखना, फिजाई अपने इश्क की पहली शुरुआत, हमारी पहली मुलाकात, हमारा वो पुराने गानों पर झगड़ना और फिर उन्हीं गानों से अपने इश्क का इजहार करना, हमारा वो छुप छुप के मिलना और हर मुलाकात से बिछड़ते वक्त मेरा वो रूठ जाना, तुम्हारा वो थोड़ा सा हिचकिचाना और फिर शर्म से अपना हाथ मेरे हाथों पर रख देना, तुम्हारी वो उंगलियों का मेरे बालों को सुलझाना और ऐसे करते करते मेरा तुम्हारे कंधे पर ही सो जाना, हमारा वो डरना और फिर उन्हीं डरों को मिटाकर सपने देखना। जैसे जैसे मेरे ख्यालों का पहाड़ और ऊंचा होता गया, मेरे कदम तुम्हारे घर की ओर बढ़ने लगे और फिर मुझे दिखी तुम, बैंगनी कमीज में कपड़े सुखाते और तुम्हारे पीछे तुम्हारा मासूम सा बेटा तुम्हें गले लगाए, और न जाने क्यों मेरी जमीन थम सी गई, सब कुछ रुक सा गया और प्यार नहीं सिर्फ डर बचा था मेरे दिल में। डर कि मुझे आने में काफी देर हो गई हो, डर कि शायद तुमने अपने सच को अपना लिया हो, शायद तुम खुश हो, और सबसे बड़ा डर
शायद अब अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आया ना तो मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हें मुश्किल से मिली वो चंद खुशियां भी तुमसे छीन ना लूं। वो 10 कदम का सफर नहीं 10,000 कदम का सफर लग रहा था, वो राह वो सफर जिस पे चलने के लिए मैं शायद तैयार ही नहीं था, मेरी हिम्मत ही नहीं थी। फैजा आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं वो 10 कदम का सफर पूरा नहीं कर पाया। उस दिन भी शायद तुम खुश नहीं थी, उस दिन भी शायद तुम मेरा इंतजार कर रही थी, शायद तुम्हारे शौहर इमरान ने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, क्योंकि अगर वो करता तुम्हारे आखिरी वक्त पर तुम्हारे सरहाने पर मैं नहीं बल्कि उसकी जगह होती। क्यों से लेकर काश तक मैंने हर दिन अपने दिल को समझाया है और मरते दम तक समझाता रहूंगा फैजा। हो गई आपकी अधूरी बात पूरी, चलिए जनाब अब वक्त हो गया है कि आप आगे बढ़े। मैंने ऐसा कई लोगों को जाते हुए देखा है और सब जाने वाले का कोई एक तो ऐसा होता ही है जो उनसे बेशुमार इश्क करता हो, और लोगों के इंतकाल से मैंने ये तो सीख ही लिया है जनाब कि लोग चाहे चले जाए लेकिन उनका इश्क कभी नहीं मरता। इसलिए फैजा हमेशा आपके साथ ही रहेगी जनाब, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना होगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। फैजा लगता है मेरे जाने का समय आ गया, ये तुम्हारा दिया हुआ तोहफा, मेरा मन पसंद रेडियो यहीं छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे पास। जाने से पहले मेरे साथ ये आखिरी गाना सुनोगी, मना मत करना। के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी। कसक इस नाटक की लेखिका और निर्देशक स्नेहा अग्रवाल, वॉइस एक्टर्स अंशुमन राय, कुश पुरानी, श्रोमना भौमिक और स्नेहा अग्रवाल, साउंड रिकॉर्डिस्ट यश गोवियस, साउंड एडिटर रोहितेंद्र चैटर्जी। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लैली दत्ता और भास्कर रॉय का, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए विसल जेनेकोस की गूंज।